राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे। धनतेरस का त्यौहार आ गया है, 10 नवंबर 2023 को है। और धनतेरस पे जो हमें पूजन करना है भगवान का, वो किस प्रकार से करना है, जो कि माता लक्ष्मी की कृपा हमें विशेष तौर पर प्राप्त हो और हमारे घर में जितने भी दुख हैं, जितनी भी दरिद्रता है या धन की कमी है, वो सब दूर हो जाए, हमारे घर में भी सुख संपन्नता आ जाए। तो जय माता की, राधे राधे। आज की वीडियो में हम आप सभी को यही बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चौकी ले लेंगे या फिर पटला ले लेंगे, उस पर हमें कपड़ा बिछाना है। इस पूजा में हम ये नहीं कह सकते कि आप मंदिर में कीजिएगा, इस पूजा में आप चौकी या पटला रख कर ही कीजिएगा, तभी इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है और बहुत अधिक संपन्नता और खुशियाँ आती हैं आपके घर में। धनतेरस से पंच दिवसीय पर्व का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद चौकी पर कपड़ा बिछा लिया, लाल, गुलाबी, पीला, कोई भी रंग का आप बिछा सकते हो, काला, नीला, ग्रे नहीं बिछाना है, लाल है, पिंक है या फिर पीला है, आपको बिछाना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी माता लक्ष्मी हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं माता रानी। और ये हैं हमारे प्रथम पूज गणेश जी भगवान प्यारे से। इधर श्री यंत्र हैं, इधर भी श्री यंत्र हैं, जैसे किसी किसी के पास ये वाले होते हैं। और ये तांबे के हैं, और ये जो श्री यंत्र हैं, ये महालक्ष्मी मंदिर है जो कोल्हापुर में, वहाँ से लाए थे, तो ये वहाँ का है। और ये देखिए, चांदी का सिक्का है। इसके अलावा धनतेरस वाले दिन कुबेर जी की और भगवान धनवंतरी की पूजा भी की जाती है ना। तो आप भगवान धनवंतरी की पूजा और कुबेर जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। आपके पास तस्वीर है तो आप वो ले लीजिए, मूर्ति है तो आप वो ले लीजिए, उसको भी स्थापित कीजिए। हमने यहाँ पर ये सुपारी पर कलावा लपेट कर भगवान धनवंतरी को स्थापित कर लिया है, और कुबेर जी को हम यहाँ, ये जो चांदी का हमारा सिक्का है, इसमें हम उनकी भावना करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखिए, हमने गेहूं का आसन दिया हुआ है, आप अक्षत का आसन भी दे सकते हैं, बिना आसन के नहीं बिठाना है भगवान को। नहीं है तो आप पुष्प का आसन दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो अक्षत का आसन आप दोगे, वो जो चावल होंगे वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। और गेहूँ आदि भी आप जब ले रहे हो तो उसमें आपको देखना चाहिए कोई कीड़ा वगैरह ना हो, घुन वगैरह ना हो। तो मुझे ना बार बार मन कर रहा है कि मैं अपने भगवान को देखती रहूं। ये पिछले साल हम लेकर आए थे गणेश लक्ष्मी जी दीपावली पर, वही धनतेरस के दिन वो हैं ये। और बहुत ही सुंदर माता की मूर्त है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है माता, हमारे गणेश जी बहुत सुंदर हैं। तो इस प्रकार से आप भी ले सकते हैं सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ, इनको आसन। हाँ, तो पूजा की बात कर रहे हैं, आसन देके इनको बिठा लिया हमने, गणेश जी को और लक्ष्मी माता को, श्रीयंत्र को बिठा लिया, और यहाँ पर धनवंतरी भगवान और कुबेर जी। यहाँ पर हमने चावल का आसन दिया है, और यहाँ हम लगाएंगे कलश। कलश हमने लिया है पीतल का और गले में बांध दिया है कलाबा। इसके बाद ये देखिए, इसमें लौंग है और कमलगट्टा है, सुपारी है, क्वाइन है और मिश्री है। मिश्री की जगह आप बतासे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस समय मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो कमलगट्टा है, आप कमलगट्टे का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है, आप सभी लोग जानते होंगे, उनको कमलगट्टा बहुत अधिक प्रिय है। और इलायची भी लेनी है, केसर है तो आप वो भी ले सकते हैं। और आपको एक चीज़ और लेनी है, वो है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ का इस्तेमाल भी अवश्य करना है। इस प्रकार से ये सारी सामग्री हो गई, इसको आप डालेंगे कलश में। किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा होती है हमारे यहाँ त्यौहार पर या व्रत में, तो हमें कलश की स्थापना अवश्य। उसके बाद हम गंगा जल डालेंगे, और गंगा जल के बाद हम शुद्ध जल से इसको कंठ तक भर देंगे। इसमें हम कुछ अक्षत भी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो कलश है वो एक दिन या फिर तीन दिन के लिए लगाया जा रहा है, तो इसलिए इसमें हम अक्षत भी डालेंगे। जब हम नवरात्रि या फिर महालक्ष्मी पूजा में कलश लगाते हैं, तो उसमें हम अक्षत या फिर इस प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं डालते हैं जिससे कि सड़न पैदा हो। उसके अलावा आपको कलश में पता ही है कि आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पंच पल्लव आप लगाएंगे, बहुत ही शुभ रहता है और बहुत आवश्यक भी होते हैं। इससे हमें भगवान की शुभता प्राप्त होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो कलश देवता हैं, वरुण देवता हैं,
इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा हमारे धर्म में माना जाता है। कलश की पूजा सर्वप्रथम बहुत ही आवश्यक होती है, तो इस प्रकार से हमने ये एक इसके ऊपर ढकने के लिए ढक्कन, इसको सरई भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ले लिया है और इसमें हमने अक्षत भर दिया है। अब मेरे पास इस समय आम के पत्ते और अशोक के पत्ते नहीं है क्योंकि मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, तो मैं इसमें ये मीठी नीम के पत्ते लगा लेती हूँ। नीम अगर आपके आसपास मिल जाए, जो वैसा नीम होता है, तो वो आप लगाइए, वो भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि नीम पर कहते हैं माता का वास होता है। इस प्रकार से हमने इसमें ये पत्ते लगा लिए और देखिए अब हमने इसे ढक दिया, इसमें हमने अक्षत भर दिए। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक दीप, हमारे पास इस तरह का ये दीप है जिसका इस्तेमाल हम दीपावली पर करते हैं। आप चाहें तो और कोई भी मिट्टी का या फिर पीतल का कोई भी दीप आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम पूजन करेंगे प्रारंभ। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप शंख की ध्वनि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना लक्ष्मी माता की पूजा में घंटी की ध्वनि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो मानते हैं कि माता को ये वाद्य यंत्र सभी बहुत प्रिय होते हैं, तो घंटी की ध्वनि हम सबसे पहले करेंगे। गणेश जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, धनवंतरी भगवान, कलश देवी देवता, समस्त देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे। अब एक हाथ में, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो क्षमा कीजिए। उसके बाद हम पूजन प्रारंभ करेंगे। तो और हाँ, एक चीज़ हम आपको और बबताते हैं, यहाँ हमने ये देखिए 13 दिए हमने तैयार करके रख लिए हैं। ये जो कमल के दिए हमारे पुराने दिए हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम हर पूजा में ज़्यादातर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो पूरे मिलाकर ये 13 दिए हैं। धनतेरस पर 13 दियों का बहुत अधिक महत्व होता है। अब चलिए करते हैं पूजा प्रारंभ। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जल अर्पित करेंगे। यहाँ पर एक पात्र रख लेंगे, उसमें हम जल डालते जाएंगे इस तरीके से, और गणेश जी का मंत्र बोलेंगे। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी को तिलक लगाएंगे और यहाँ हम आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि आप यहाँ जो खील होती है ना, जो धान का लावा बोला जाता है, खील बताशा, उनका इस्तेमाल पूजा में अवश्य कीजिए अगर आप खरीद कर ले आते हैं तो। इसके बाद हम भगवान को अक्षत लगाएंगे, अक्षत चढ़ा देंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। अभी मेरे पास पुष्प नहीं है, पुष्प चढ़ाएंगे। और ये है जनेऊ, जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान गणेश को हम। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे और गणेश जी का मंत्र बोलेंगे। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। समस्त प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश की हम वंदना करते हैं, जो कि माता पार्वती के पुत्र और शिव जी के पुत्र हैं। या फिर आप वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समय प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये भी बोल सकते हैं, इस मंत्र को भी कर सकते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर एक स्वास्तिक भी बना लेना है, लोटे पर जो आपने कलश रखा है उस पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत आसानी से बन जाता है स्वास्तिक। उसके बाद हमें इस पर 7 बिंदियाँ लगानी होती हैं कलश पर। हम जैसा करते हैं हम आपको वैसा ही बता रहे हैं। दीप में भी हम टीका लगा देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। देखिए पूजा प्रारंभ करने से पहले दीप अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए। तो दीप प्रज्वलित हो गया, धूप दीप हमने प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद हम पुनः गणेश जी का पूजन प्रारंभ कर देंगे। हम तिलक कर चुके गणेश जी को, अक्षत लगा चुके, पुष्प चढ़ा चुके और हम जनेऊ चढ़ा चुके। इस तरह से हो गया हमारे गणेश जी का पूजन। अब हम करेंगे, देखिए कलश का पूजन भी हो गया है और पान भी, आप ये ध्यान रखिए, देखिए आप कमल के फूल पान का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को तिलक लगाएंगे, श्री यंत्र जी को तिलक लगाएंगे। जल तो पहले ही जल छिड़केंगे, उसके बाद तिलक लगाएंगे। और यहाँ जो सिक्का रखा है हमने, इस पर तिलक करेंगे, धनवंतरी भगवान का तिलक करेंगे, कुबेर जी का तिलक करेंगे और यहाँ श्रीयंत्र का तिलक करेंगे, ठीक है।
इसके बाद हम सभी पर अक्षत छिड़केंगे इस तरह से। इसके बाद इत्र आपको लगाना है, आप चाहें तो कॉटन में करके लगा सकते हैं, किंतु हम ऐसे ये वस्त्र पहने हुए हैं तो उनके वस्त्रों में लगा देंगे। आप चाहें तो कॉटन में करके भी लगा सकते हैं। इसके बाद पूजन करते हुए भगवान को फल अर्पित करने हैं, तो आप एक प्लेट में रखकर भी अर्पित कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आप खीर बना सकते हैं, चाहे मखाने की बनाइए चाहे चावल की बनाइए। और खीर का बहुत अधिक महत्व होता है माता लक्ष्मी की पूजा में। उसके बाद ये देखिए मिश्री है, आप मिश्री, पंचमेवा और मिठाइयाँ सभी का भोग लगा सकते हैं, किंतु हमारे पास जो है हम उसी का भोग लगा रहे हैं। अभी हम आपकी हेल्प करने के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी जो जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है हम सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम माता रानी को, माता लक्ष्मी को कुछ ये सामान सामग्री है जो 16 श्रृंगार की, वो चढ़ा देंगे। 16 नहीं है, सिंदूर है, चूड़ी है और बिंदी है। इस प्रकार से माता को हमने ये चढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। धूप दीप भी लगा दिया। इसके बाद देखिए नारियल, नारियल जो होता है श्रीफल, माता की पूजा में बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप नारियल को भी रखिए, नारियल चढ़ाएंगे, नारियल का पूजन करेंगे हम। इस तरह से उसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र सभी को अर्पित करेंगे। माता वस्त्र पहने हुए तो हम श्रीयंत को वस्त्र अर्पित करेंगे, यहाँ हम धन्वंतरी भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे और कुबेर जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने सभी भगवान का अपने पूजन कर लिया है। अब आप श्री गणेश जी सदासाहय, श्री महालक्ष्मी जी सदासाहय, श्री कुबेर जी सदासाहय, श्री सरस्वती माँ सदा सहाय, श्री धन्वंतरी जी सदा सहाय, इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हुए यहाँ पर आप पूजन आरंभ करेंगे। माला जाप मंत्र इत्यादि कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। पाठ आदि करने के बाद में हम आपको अब एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहे हैं। इसके बाद ये देखिए ये हैं कौड़ी, ये लक्ष्मी कौड़ी कही जाती हैं, पीले रंग की मिलती हैं, आप ले लीजिएगा, ये सब वाइट कलर की हैं। तो जो लक्ष्मी कौड़ी होती है बहुत शुभ मानी जाती हैं। 7 कौड़ी और 7 गोमती चक्र आपको लेने हैं और इनको भगवान के समक्ष आपको ऐसे रखना है। उसके बाद इन पर जल छिड़कना है। जल छिड़कने के बाद आप इनमें सिंदूर छिड़किए इस तरीके से। ये जो सिंदूर होता है ना, ये पीला वाला, ये सिंदूर ऑरेंज कलर का, ये सिंदूर आपको करना है। आपको अक्षत चढ़ाने हैं, इसमें दीप दिखाना है। तो कौड़ी जो है इनको आप धूप दीप इस तरीके से दिखाएंगे और इसमें एक आप कॉइन रख लीजिए, चांदी का रख लीजिए, अगर चांदी का हो तो इसको भी आप तिलक कीजिए और माता लक्ष्मी का मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद आपने जो 13 दिए बनाए हैं वो प्रज्वलित करके अब इनसे आपको आरती करनी है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है और गणेश जी की आरती करने के बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद जो ये दिए हैं ये आपको अपने घर में, पूरे घर में आपको रखने हैं। इस तरीके से जब पूजा पाठ आप कर लेंगे, आरती कर लेंगे और भगवान को ये दीप दिखाएंगे आप, उसके बाद ये जो दिए हैं एक तुलसी के पास, एक मुख्य दरवाजे पर, एक रसोई घर में और बाकी जो देहरी होती हैं आपके घर के अंदर उन पे, और जो भी आपके पूजनीय वृक्ष हैं, बालकनी, ये सब जगह एक एक दिया आपको रखना है। आप चाहें तो शिव मंदिर में एक दिया अवश्य रखिए, क्योंकि प्रदोष की जो तिथि होती है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्नेता के रहे कलेशा, है ना। तो इस प्रकार से आपको इन दीपों का दान करना है और वैसे भी कार्तिक मास में तो दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी, माता लक्ष्मी, गणेश जी सभी का पूजन कर लिया है और दीप प्रज्वलित कर लिए हैं, आरती कर ली है, पाठ कर लिया है, जप कर लिया है। देखिए यदि आपको माला जाप करना हो ना तो आप पहले कर लीजिए, दीप बाद में प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि ये बंद नहीं होने चाहिए जब तक आपकी पूजा चले। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर गाय का उपला लिया है, गाय का कंडा,
और हमने गाय का कंडा यहीं अभी गैस पे आप चाहें तो प्रज्वलित कर सकते हैं, किंतु हमने सोचा पूजा के बीच से उठ के नहीं जाना चाहिए, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर कपूर से और घी से प्रज्वलित कर लिया है। आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ विशेष पूजाएं होती हैं तीज त्यौहार की जिन पर अग्यारी बहुत ही आवश्यक होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी त्यौहार आता है तो आपको अग्यारी अवश्य ही करनी है, ठीक है। तो अब हम लेंगे लौंग और बताशा, ये देखिए ये हमने लौंग बताशा और घी ले लिया है। तो माता का मंत्र बोलते हुए, गणेश जी का मंत्र बोलते हुए, भगवान का मंत्र बोलते हुए आपको ये अग्यारी करनी है इस प्रकार से। और आप चाहें तो छोटा सा एक हवन कर सकते हैं, सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्त मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार से आप कोई भी माता का, माता लक्ष्मी का मंत्र बोल सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आपको हवन करना है, अग्यारी करनी है। आप बड़ा हवन करना चाहें 108 आहुति का तो वो भी कर सकते हैं, बहुत अधिक शुभ रहता है और बहुत सुंदर तिथि होती है धनतेरस की इस प्रकार से। और जब भी हम अग्यारी करें या फिर आरती करें तो हमें शांत अवश्य करना होता है, जल से हमें इनका आचमन अवश्य ही करना होता है। करने के बाद में प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आप 3 बार इस तरीके से जल घुमाकर ओम शांति शांति, ओम शांति 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 इस तरह से आपको करना है। और अपना जो माथा है वो जमीन पर टेक कर आपको शीश नवाना है। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, आप ऐसे ही प्रणाम कर लीजिए। भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं, आपका प्रेम देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए होता है। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से हम धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी कुबेर जी धनवंतरी भगवान की पूजा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आप चाहें तो इस चौकी को दीपावली तक लगा कर रखिए, और चाहें तो आप एक दिन के लिए लगा लीजिए, आप हटा लीजिए उसके बाद। जिस तरह से आपकी रिवाज हो आप अपने रिवाज के अनुसार भी कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आपको कोई भी हेल्प मेरी वीडियो से मिलेगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है। और पीली मिठाई, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल, गुलाब के फूल, ये सारी चीज़ें आपको माता को अवश्य ही चढ़ानी है, आपको भगवान को अवश्य अर्पित करना है। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं ना, हम भगवान को कुछ भी चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं तो उनके नेत्र हमें नहीं दिखते हैं। तो हटा, अगर उनके भगवान के नेत्रों पर कुछ भी आ जाता है चढ़ाए का सामान तो वो हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि सीधे हम पर, अपने भक्त पर पड़नी ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कर लिया है धनतेरस का पूजन। आशा करते हैं आपको पूरी विधि समझ आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं ये जो कलश है, अगर आप कलश को अगले दिन हटाते हैं, और नहीं हटाते हैं तो अलग बात है, अगर हटाते हैं अगले दिन तो आपको करना ही, और अगले दिन नहीं हटाते तो दीपावली के दिन तो आपको ये कलश हटाना ही है, क्योंकि दीपावली के दिन आपको नया कलश लगाना पड़ेगा। तो नया कलश जब आप लगाएंगे तो आपको क्या करना है, इस कलश का जो जल है ये जल पूरे घर में आपको छिड़कना है, और थोड़ा थोड़ा सा जल आप ग्रहण कर लीजिए, बाकी जो बचा हुआ जल है वो पीपल पर चढ़ाकर आइए। अगले दिन शनिवार है, बहुत ही सुंदर दिन प्राप्त हो रहा है धनतेरस का, शुक्रवार का, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और इस प्रकार से बहुत सुंदर दिन धनतेरस का पावन पर्व आया है। आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान का आशीष प्राप्त हो, धनवंतरी भगवान की कृपा से सभी निरोगी हों, कुबेर जी की कृपा से सभी धन संपन्न हो, गणेश जी माता लक्ष्मी की कृपा से सभी के दुख दरिद्रता दूर हों, कष्ट कलेश दूर हों, ऐसी कामना करनी चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त हो। ये जो कलश है इसका बहुत अधिक महत्व होता है, भगवान धनवंतरी कलश लेकर ही प्रकट हुए थे, अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, तो बहुत अधिक महत्व होता है। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। यदि मेरी ये वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल होती है, आपको थोड़ी भी सहायता मिलती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे,
एक नई वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।